बेटे के पढ़ाई के लिए बैंक ने लोन नहीं दिया तो पिता ने सीधे फांसी लगा ली। ये दिल दहला देने वाली घटना महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई है। कोल्हापुर जिला के पन्हाला तालुका में एक किसान पिता ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बैंक द्वारा कर्ज देने से मना करने के बाद आत्महत्या कर दी। आत्महत्या करने वाले किसान का नाम महादेव पाटिल है। महादेव पाटिल और उसके परिजनों ने बैंक मैनेजर से कर्ज के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन बैंक वालों ने कर्ज देने से मना कर दिया। बेटे के लिए किसी ने कर्ज नहीं दिया, इसलिए पिछले कुछ दिनों से महादेव अपने बेटे के भविष्य और बेटे की शादी को लेकर चिंतित थे। इसीलिए महादेव पाटिल ने डिप्रेशन में आकर फांसी लगा ली। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए बैंक ने लोन नहीं दिया तो बाप ने सीधा फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।